आज मऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के 100 दिन के कामों के बारे में प्रेस के माध्यम से उत्तर प्रदेश वासियों और मऊ वासियों को बताने के लिए मैं आया था। हाँ, निश्चित तौर से पुलिस कर्मियों ने वो काम किया है जो सम्मान के लायक था। आज तक मैंने अपने राजनीतिक इतिहास में इतनी बड़ी घटना को 4 घंटे में वर्कआउट करते हुए मैंने नहीं देखा था। तो मेरा मन जब मऊ आने का हुआ तभी मैंने तय कर लिया था कि मैं इस टीम को सम्मान जरूर दूंगा। तो निश्चित तौर से एक शहर के भीतर और दिन दहाड़े चोरी की घटना को, और बड़ी चोरी थी जिसमें लाइसेंसी पिस्तल और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और नगदी जेवरात वगैरह सब उठा ले गए थे, 4 घंटे में मुलजिमों को पकड़ लेना, वर्कआउट कर लेना, उनको जेल भेज देना, सामान की बरामदगी करा लेना, ये पुलिस विभाग का भी सम्मान है और पुलिस विभाग के द्वारा जनता में अपने आप की पहचान को बढ़ाई है। उन्होंने अपने भरोसे को बढ़ाया, पुलिस विभाग पर भरोसा जनता का कायम रहे इस काम को उन्होंने किया है, इसके लिए हमने उनको सम्मानित किया है। सर, सबसे बड़ी समस्या है मधुबन की, जो कटान बहुत तेजी से हो रही है। कूड़ा निस्तारण में मऊ में गोपालगंज और नगर पालिका के लिए कर दिया, लेकिन अन्य जगहों के लिए अभी तक कोई निस्तारण के लिए डंपिंग यार्ड अभी तक कोई नहीं बना है, जिससे अन्य जगहों पे भी बहुत सारी समस्याएं हो रही है। समय पे कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है, जिसको लेकर कि जाम की समस्या हो गई है, जल जमाव होने लगा है, जनता जो है परेशान हो जा रही है। तो एक तरह से ये सूचना भी है आपके लिए, जैसे आपने कहा कि फ्रेंडली अगर आप जानकारी देना चाहें तो मैंने फ्रेंडली आपको जानकारी दी। हाँ, अच्छी बात है। दूसरी तरफ ये डंपिंग यार्ड की जो लोगों ने फाइल पेंडिंग पड़ी हुई है, कूड़ा जो उठ नहीं रहा है वो नालियों में जाके जाम हो रहा है, और जब बरसात हुई है तो वो घरों में पानी घुस गया है, जैसा कि कल सचिन टोला और कई मोहल्लों में ऐसी घटना हुई, मुंशीपुरा में ऐसे ही दिक्कतें आई है। तो ऐसे में क्या सरकार ने किया, जबकि सरकार पिछली भी सरकार अपनी ही सरकार थी और यह भी अपनी ही सरकार है, तो हम किसे दोष दें, हम अपने को दोष देते हैं या सरकार को दोष दें या अधिकारियों को? मैं उत्तर प्रदेश वासियों को किसी दशा में दोषी नहीं कह सकता हूँ। दोषी जो भी हूँ मैं ही हूँ, क्योंकि मैं दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। अपेक्षाएं लोगों की हमसे ही हैं, अगर दायित्व के निर्वहन में हमसे कोई कमी बेसी रह गई होगी हमारी सरकार से, तो हम उसका सुधार करेंगे। लेकिन ये भी स्वीकार किया जाना चाहिए कि बारिश की सीजन में यह सतत प्रक्रिया है, अगर आप घर बना लेते हो, घर के दरवाजे 4 ट्राली मिट्टी डाल दी, जिधर से पानी बह जाता था उधर से पानी बहता नहीं है, हर बरसात से पहले आपने पानी रोक दिया, अब उसके बाद गड्ढे में पानी भर गया, बिजली विभाग के रास्ते में पानी भर गया, कहीं भी पानी भरता है, ये कोई नई बात हो तो आप मुझे बताओ? हर बारिश में ऐसी शिकायतें होती हैं, और आज शिकायतें मिलती हैं तो शिकायत होने से पहले शिकायत का निस्तारण नहीं हो पाता है, शिकायत के बाद ही शिकायत का निस्तारण होना ये स्वाभाविक भी है, परंपरा भी है और सब कोई करता है। जो जो आज शिकायतें देखने में आएंगी, आई हैं बरसात में, उन शिकायतों का निस्तारण अगली बरसात से पहले हो जाना चाहिए, यही हर सरकार का दायित्व है, इसको मैं पूरा करूंगा।